जो यमुना के किनारे रहते थे वो इस समय जो है यहाँ पे आ चुके हैं और उनके लिए जो है सरकार ने यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए फाइनली जो है अभी हम इंदिरी गांव में हैं, ये पड़ता है आपका जो है हरियाणा में। दिल्ली हम एंटर हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर का मंजर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है पानी भरा हुआ है और रोडें जो है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज इस ब्लॉग की शुरुआत जो है दोबारा हो चुकी है और इस चैनल में जो है ये ब्लॉग काफ़ी देर में आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइज आज आपको देखने को मिलेगी दिल्ली की जर्नी और गाइज अब मैं जो है पांवटा साहिब पहुँचने वाला हूँ क्योंकि आज हम चंडीगढ़ होते हुए जा रहे हैं क्योंकि जो है मेन रोड पर जो है कांवड़ चल रहे हैं जिसके कारण जो है ये वाला रोड पकड़ना पड़ रहा है। पांवटा साहिब ही है ना दिल्ली वाला रूट पर दिल्ली जाना है सीधा ना। तो गाइस अब ये बैराज आ चुका है, बैराज क्रॉस करते हैं और ये बैराज जो है वन वे है, इसमें जो है टू वे नहीं है, तो एक बार में एक ही गाड़ी जो है आ जा सकती है। तो बैराज क्रॉस करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो गाइस फाइनली जो है यमुना नगर हम पहुंच चुके हैं और हरियाणा पुलिस का ये बैरिकेड आपको दिख रहा होगा। तो अब यमुना नगर क्रॉस कर रहे हैं और अभी जो है टाइम हो चुका है लगभग 8:30 और सामने से जो है काफ़ी तेज़ धूप जो है यहाँ पे लग चुकी है, मौसम जो है खुल चुका है, बारिश नहीं है और रोडें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर जो है कांवड़ जो है बिल्कुल भी नहीं है, जो कांवड़ यात्रा है वो जो है आपका हरिद्वार ऋषिकेश वाले रूट पर है लेकिन इस रूट पर जो है बिल्कुल भी कांवड़ नहीं है और जिसकी वजह से मैंने जो है ये वाला रूट जो है पकड़ा है, ये काफ़ी लंबा है। तो देखते हैं कितने बजे तक जो है दिल्ली पहुंचता है। एक मोर नहीं लगेगी पर पाकिस्तान में जाएगा। तो गाइस फाइनली जो है इंदिरी हम पहुंचने वाले हैं जो हरियाणा में पड़ता है और जहां का फेमस यूट्यूबर जो है अरुण पवार है, तो उनके गाँव में हम पहुँचने वाले हैं। और गाइस अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो आप जो है चैनल सर्च करके अरुण पवार के नाम से चैनल है आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है जो इंदिरी गांव से आता है और वो इंदिरी गांव जो है इसी हरियाणा में आता है। और अब हम 10 किलोमीटर दूर हैं इंदिरी गांव से। तो गाइस फाइनली जो है अभी हम इंदिरी गाँव में हैं, ये पड़ता है आपका जो है हरियाणा में और इंदिरी गाँव यहाँ से जो है 2 किलोमीटर दूर है। मौसम जो है यहाँ पे काफ़ी जो है ठंडा हो रखा है, गर्म नहीं है और इंदिरी गांव पहुँचने वाले हैं, उसके बाद करनाल पहुँचेंगे और करनाल के बाद जो है सोनावाला जो एक्सप्रेस है, आई थिंक सोनावाला एक्सप्रेस या पैरीफेरल एक्सप्रेस पकड़ेंगे। तो जैसे भी रहता है हम आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं। और अभी जो है पेट्रोल पम्प में रुके हुए हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। टी स्टॉल दिखाना, टी स्टॉल, टी स्टॉल का है अंडा एम चिकन कॉर्नर, ठीक है आगे है। तो गाइस सामने जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है इस समय रुपाई चल रही है, वो देखिए सामने, यहाँ से कैमरा भी इतना कैप्चर नहीं हो रहा। और अभी हम इस एक्सप्रेस में हैं, इसका नाम माइकिंग आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। देखिए तो अब यहाँ से जो है इंदिरी जाते हैं, इंदिरी जो है 2 किलोमीटर की दूरी बन चुकी है यहाँ से। यहाँ पर पार्क और गाड़ी जो है पूरी गंदी हो चुकी है, ये देखिए।
हे गाइस, तो अभी जो है फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सोनावाला एक्सप्रेस जो हमने पकड़ा है, और अभी जो है पानीपत सोनीपत होते हुए जो है अब हम जो है यहां से केएमपी वाला जो एक्सप्रेस है वो पकड़ेंगे। और अभी जो है अगर टाइम दिखाना चाहूं तो टाइम हो चुका है 11 बज चुकी है टाइमिंग, और अब हम जो है यहाँ से पकड़ेंगे जो है पहले सोनीपत जाएंगे, पानीपत आएगा, उसके बाद सोनीपत आएगा, सोनीपत आने के बाद जो है हम केएमपी वाला एक्सप्रेस पकड़ेंगे जो हमको जो है सीधा ले जाएगा दिल्ली। और अभी जो है टोल में रुका हूँ, तो मेरे सामने जो है टोल दिख रहा है, यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं, तो मैं आपको पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं और ये एक टोल प्लाजा है। ये देखिए ये जो है टोल आया हुआ है, ये सोनावाला एक्सप्रेस है जो हमको इंद्री से जो है यहाँ जोड़ता है, सोनीपत पानीपत वाला एक्सप्रेस। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर अब यहाँ से निकल चुके हैं, तो चलो गाइस फिर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और इसी हाईवे पे हमको आगे बढ़ना है, और अब जो है दिल्ली की दूरी जो है 102 किलोमीटर बच चुकी है, और मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, इस समय बारिश बुरिश बिल्कुल भी नहीं है। तो इस समय इसी जो है हाईवे पे हम आगे बढ़ेंगे 102 किलोमीटर ऐसे दिल्ली जो है अब बता रहा है। तो गाइस फाइनली जो है पेरिफेरल एक्सप्रेस जो केएमपी एक्सप्रेस है वो हमको मिल चुका है, ये देखिए लेफ्ट टर्न में, लेकिन हम जो है सीधा निकलेंगे, उसके बाद जो है ये एक्सप्रेस पकड़ेंगे। तो अब यहाँ से दिल्ली जो है ज़्यादा दूर नहीं है, और अब हम जो है पेरिफेरल एक्सप्रेस पकड़ेंगे। तो गाइस फाइनली जो है दिल्ली हम एंटर हो चुके हैं, और दिल्ली के अंदर का मंजर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है पानी भरा हुआ है और रोडें जो है डाइवर्ट कर रखी हैं। अभी जो है मैं जा रहा था राजघाट की तरफ, लेकिन आगे रोड डाइवर्ट कर रखी है, और ये देखिए पूरे दिल्ली में पानी ही पानी है, इस समय गाड़ियाँ जो है आगे जाकर डूब रही हैं। और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी भयंकर जाम लगा हुआ था, इसलिए मैंने जो है यू टर्न मार दिया। और देखो पानी, गाड़ियाँ जो है आगे बस तक डूब रही हैं आगे, तो इसलिए मैं जो है यू टर्न मार दिया मैंने, और मैं जा रहा था राजघाट से होते लक्ष्मी नगर की तरफ, लेकिन वो रूट डाइवर्ट है। और ये देखो पानी का मंजर कुछ ही तरीके का, बाइक वाले को देखो सामने, उसकी जो है पूरी स्कूटी आई थिंक स्कूटी है वो पूरी जो है डूब रही है पानी में। तो इस समय जो है दिल्ली आए तो संभल के आए, और रोडें जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रखी है, आपका चांदनी चौक हो गया, आपका राजभवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, जो भी है सब जगह पानी भरा हुआ है। तो मैंने यू टर्न मार दिया और अब मैं दूसरे रास्ते से जो है फिर जा रहा हूँ। तो गाइस अब हम जो है दूसरे रूट से जा रहे हैं, और मेरे सामने जो है यमुना है, कैमरे में कितना कैप्चर नहीं हो रहा, और यमुना का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये देखिए सामने जो पानी है आपका जहाँ तक आ चुका है। ये देखिए गाइस, जो यमुना के किनारे रहते थे वो इस समय जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और उनके लिए जो है सरकार ने यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए सारे जो है इस समय रोड के किनारे आ चुके हैं जो यमुना के आसपास रहते थे, ये देखिए पूरे दम भून के यहाँ पे कर चुके हैं, और सरकारी जो है सुविधा उनको मिल रही है। ये देखिए हालांकि कितनी मिल रही है आई थिंक आई डोंट नो, बट सारे जो है अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस अब हम बढ़ चुके हैं अक्षरधाम की तरफ, और अक्षरधाम से फिर आएगा जो है आपका लक्ष्मी नगर। वैसे काफ़ी दूर हम आ चुके हैं इस समय मेरठ एक्सप्रेस पे, हम जो है इसे में आ चुके हैं, और यहाँ से फिर यू टर्न मारेंगे। तो इस पानी के कारण जो है, जो दिल्ली में पानी भरा हुआ है उसके कारण जो है रूटें काफ़ी डाइवर्ट कर रखी हैं, जिस कारण हमें लंबा घूम के आना पड़ रहा है। तो गाइस फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में,
अब सामान उतारते हैं, उसके बाद जो है गाड़ी पार्क में लगाते हैं। और यहाँ पे जो है आज काफ़ी ज़्यादा रश मेरे को देखने को मिल रहा है। चलो गाइस फिर गाड़ी लेके जो है पार्किंग में चलते हैं। और ये देखो फाइनली जो है हमने गाड़ी पार्क कर दी है। और गाइस अब जो है मैं इस ब्लॉग को भी एंड करना चाहता हूँ यहीं पे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिल्ली के मार्केट दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।